अमरावतीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार बळवंत वानखेडे यांच्या विजयानंतर राजकमल चौकात करण्यात आलेल्या जल्लोषादरम्यान काही टोळक्यांनी अश्लील हातवारे करीत पराभूत उमेदवाराविरुद्ध चिथावणीखोर प्रकार केला. इतकेच नाही तर याचा व्हिडिओ बनवून समाज माध्यमांवर प्रसारित केला. या प्रकारामुळे शहरभर संतापाचे वातावरण पसरले होते. शहरभरातून या विरोधात प्रतिक्रिया उमटल्या. पोलीस प्रशासनाने याची दखल घेत अवघ्या काही तासातच यामधील 7 आरोपींना अटक केली तर व्हिडिओ पाहून इतर आरोपींचा शोध घेणे सुरू आहे. जय श्रीराम. मेरा नाम बंटी पारवानी है, विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री. आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से माननीय पोलीस आयुक्त जी को हम निवेदन देने आए हैं. 4 तारीख को लोकसभा चुनाव का निर्णय आने के बाद राजकमल चौक पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय जुलूस का आयोजन किया गया. जीत के उपलक्ष में उत्सव मनाना, विजय जुलूस निकालना, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है. परंतु बिना परमिशन के, बिना परवानगी के राजकमल चौक पर हजारों लोगों का जमावड़ा उपस्थित होना और एक प्रकार से जो उस वीडियो में कृत्य दिख रहा है, ये इस कृत्य के माध्यम से किसको उकसाने का प्रयत्न कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की मंशा और उसके संस्कार उस कृत्य में दिख रहे हैं. अगर इस कृत्य के माध्यम से हिंदुओं को उकसाने का प्रयत्न ये लोग कर रहे हैं तो हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है. आज माननीय पुलिस आयुक्त जी को हम निवेदन देकर यह मांग करते हैं कि इस कृत्य में, उस वीडियो में जितने लोग यह दिख रहे हैं, ये वारंवार जो अमरावती शहर में घटनाएं होती है, इनमें कई तत्व वारंवार इसमें इन घटनाओं में रहते हैं. ऐसे सभी तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य इस शहर का वातावरण खराब करने के लिए न हो. ऐसा निवेदन लेकर हम माननीय पुलिस आयुक्त जी के पास आए हैं. यदि हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जो लोग वीडियो में इस प्रकार के अश्लील कृत्य करते हुए दिख रहे हैं, उनके ऊपर अगर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है तो संपूर्ण अमरावती कर को लेकर हम फिर से एक बार तीव्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी. महाराष्ट्र TV 24 साठी सचिन कर्डे, अमरावती.